इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। हरियाणा के सिरसा में आज कोरोना के कुल 16 मामले सामने आए और इसके साथ ही जो टोटल आंकड़ा है वो 1225 पे पहुंच गया है। वहीं हम आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, उन्होंने खुद को होम आइसोलेट है वो किया है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी कोरोना की जांच करवाएं। हम आपको बता दें कि आदित्य चौटाला ने हाल ही में उन्होंने जो है रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की थी और जिस मीटिंग में पूरे हरियाणा के जो नव नियुक्त जिलाध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे और आदित्य चौटाला ने जिलाध्यक्ष चूँकि उनको हाल ही में बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने पूरे ज़िले में जो है अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घर पर जा करके उनको बधाई दी थी। और वहीं दूसरा आदेश ये आया आज हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के फिर से जो है नया आदेश जारी किया, जिसमें से कहा गया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश थे, अब शनिवार और रविवार को दुकानें खुली रहेंगी यानी बाज़ार खुले रहेंगे और सोमवार और मंगलवार को है वो बाज़ार है वो बंद रहेंगे। नियम पहले की तरह ही लागू होंगे, किस तरह की दुकानें खुलेंगी किस तरह की दुकानें बंद रहेंगी ये आप सब लोग जानते हैं। और हम आपको बता दें कि ये हरियाणा में व्यापारी नेताओं और व्यापार मंडल से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के बाद ही निर्णय लिया गया था, क्योंकि खास करके दुकानदारों का कहना था कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ही दो ऐसे दिन होते हैं जहां पे पूरे हफ्ते में काम करने वाले जो लोग हैं दो छुट्टी उनको होती है, चाहे ऑफिस की बात करें या सरकारी कार्यालयों की बात करें, और उस दौरान वो खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में निकलते हैं, इसलिए शनिवार और रविवार को दुकानें बंद होने से व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। अब दुकानदार हैं वो सोमवार और मंगलवार को है अपनी दुकानें हैं वो बंद कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था और जो है बाज़ार का पहिया है वो भी घूमता रहे, इसलिए दुकानदारों की राय पर ये फैसला लिया गया है कि सोमवार और मंगलवार को अब बंद रखा जाएगा, शनिवार और रविवार को जो है ओपन रहेगी मार्केट। हालांकि इसका क्या असर पड़ेगा वो तो एक आने वाला समय बताएगा, सोमवार को पता चलेगा, जब सोमवार को दुकानें बंद होंगी तब पता चलेगा कि इसका असर कितना रहता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है और जो मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश के जिला उपायुक्त को ये जो है पत्र है वो भेज दिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।